कब थमेगा यह सिलसिला? आपको हम बता दें कि पानी के तेज बहाव के कारण जो है एक और पुल जो है भागलपुर में बह गया है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से पुल जो है वो पानी में तेज बहाव के कारण जो है वो बह गया है और कई गांवों का संपर्क जो है एक दूसरे से टूट चुका है। आने जाने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जिस प्रकार से लगातार तेज बारिश और बहाव के कारण एक पुल और जो दरभंगा का था वो बह गया है, जिस कारण से काफी समस्याएं होने वाली है। तो आइए दिखाते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कि पुल किस प्रकार से बह गया है और कैसी स्थिति है वहां की। तो आपने देखा किस प्रकार से जो पुल है वो पानी के तेज बहाव के कारण जो है वो बह चुका है और लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको हम बता दें कि लगातार तेज बारिश और दबाव के कारण जो है ये पुल बह गया है और बाढ़ के जो सिलसिला जारी है, जिस कारण से जो है कई गांवों का जो पुल है वो बह गया है और लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।